हाँ जी, तो फिर देखिए मार्केट के क्या हाल चाल है। सीधी बात, नो बकवास। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जिसको मैं समझता हूँ कि वो मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। वैसे तो वो पेन स्टॉक है, पर वो अगर आप उसके रिटर्न चेक करो, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं 3 साल में ऑलमोस्ट 164% रिटर्न, 2 साल में 150% रिटर्न, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो 18% रिटर्न, और 3 महीने की बात करें तो 20% रिटर्न। तो किसी भी एंगल से ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक पेनी स्टॉक है, लेकिन ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। पर अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? देखते हैं हम इस स्टॉक के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे, इसकी कंपनी की कैपेबिलिटी डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या ये मल्टीबैगर बनने की औकात रखता है कि नहीं, और क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें। सो बेसिकली होता क्या ना, मल्टीबैगर जितने भी होते हैं वो लाइक काइंड ऑफ अ पेनी स्टॉक से स्टार्ट करते हैं एंड देन दे एंड अप बीइंग अ मल्टीबैगर। लेकिन हम कोई कभी बता ही नहीं सकता कि कोई मल्टीबैगर कब बनेगा कब नहीं बनेगा, क्योंकि मल्टीबैगर बनने के बाद ही दुनिया बोलती है वो मल्टीबैगर है, शुरू में किसी को नहीं पता था। पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या वो मल्टीबैगर बनेगा, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमें उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली हमें, अगर आप मेरी बात मानो, तो कोई भी पेनी स्टॉक में बोलते हैं ना किस्मत आजमाने की बात है, किस्मत इतनी ही आजमाओ कि अगर वो नहीं चले तो तुम बर्बाद ना हो जाओ। लेट से 100 रुपये तुम्हारे पास, और अगर 100 में से तुमने 70 रुपये भी डाल दिए लेट से किसी पेनी स्टॉक में, तो अगर वो जीरो हो गया, उसकी कॉस्ट गिर गई या फिर वो खत्म हो गया, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो कभी ऐसे नहीं करना। सो हमेशा उतने ही मल्टीबैगर स्टॉक्स या पेनी स्टॉक जो भी कह लो, उतने ही पैसे डालना जितना आप लूज करने में अफोर्ड कर सको, जिससे आपके नॉर्मल बैंक बैलेंस पे या फिर सेविंग्स पे या किसी चीज़ पे असर ज़्यादा ना पड़े। सो लेट्स से अगर मैं एक हफ्ते की भी जितना भी मैं खाने पीने पारी वाड़ी इन्जॉय करने में मस्ती मारने में किसी भी चीज़ में हम लेट्स से एक वीक में जितना उड़ा देते हैं, अगर आप उतना ही पैसा उठा के एक वीक का किसी पेनी स्टॉक में डाल दो, सो दैट विल बी जस्टिफाइड कि वो अगर वो डूब भी गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो चल गया तो आप करोड़पति भी बन सकते हो, लखपति भी बन सकते हो। तो आज हम ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उसके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या ये मल्टीबैगर बनने की औकात रखता है या नहीं। चलो फिर शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास स्टॉक सजेस्ट के साथ। अच्छा लगे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग देते हैं, और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देता है, सो प्लीज उसको एनकरेज करने के लिए यू शुड ऑल्सो जस्ट हिट अ लाइक, और वो जो घंटे वाला बटन है ना उसको बस मुक्का मार दो। तो गाइज, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर आप देखो तो इसका मार्केट कैपिटल शानदार है, 8,500 करोड़ का, एंड डिविडेंड भी देखो तो 36% का डिविडेंड देता है या दे चुका है अभी तक। डिलीवरेबल्स की बात करो तो 37% डिलीवरेबल्स। क्या आपको लगता है पेनी स्टॉक है? सो बेसिकली ये पेनी स्टॉक नहीं है। मैं आपको इसका नाम बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, द रीजन इज बिकॉज अगर मैं पहले आपको नाम बता दूंगा तो बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, उनको सिर्फ मतलब होता है कि जल्दी से बता दो हम कल खरीद लेते हैं, और कल खरीदेंगे और परसों करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जरा हम इसके चार्ट पैटर्न पर ध्यान देंगे, हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करते हैं इस वक्त, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 25 अप्रैल 2002 से और आज का 10 फरवरी 2021 ये स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट जीरो से शुरू हुआ था, इफ यू कैन सी दैट, एंड आज वो 15 रुपये के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सो ग्रोथ तो बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। जैसे मैंने बताया, कोई भी स्टॉक होगा, पेनी स्टॉक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो टाइम तो लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर खरीदा था कुछ सालों पहले, तो जरूरी तो नहीं है कि वो 2 साल में 1200, 1500 या 2000 पे पहुंच गया। उसने भी कहीं ना कहीं से शुरू किया होगा, वेरी लो, लाइक 9-10 रुपये से शुरू हुआ था वो, एंड देन इट वेंट लाइक क्रेजी, एंड दैट दिस टाइटन शेयर मेड राकेश झुनझुनवाला यू कैन से करोड़पति। पर वो शेयर ढूंढना आसान नहीं है, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, सो दैट आपको पता चल सके कि एक्चुअली में शेयर ढूंढा कैसे जाता है, और हम लोग अगर किसी पे लक अजमाना तो वो भी एक सेंसिबल तरीके से अजमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसमें भी तुक्का मारो, उसमें भी सेंसिबल आप हो सकते हो, और जो कि बहुत लोग होते हैं, मैंने खुद कमाया है इन चीज़ों से। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू दिस ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। गाइज, अगर आप चेक करो इसमें लास्ट 1 मंथ का चार्ट भी चेक करो तो ये ना नॉर्मल प्राइस रेंज पे ही चल रहा था। इफ़ यू सी दिस, 13 से 14 ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन सडनली इसने जंप दिया है, और वो भी तगड़ा जंप दिया है, एंड इट डायरेक्टली वूप्ड अप टू 14 to 16, ऑलमोस्ट 2 रुपये का। अब आप लोग बोलोगे कि 2 रुपये यार कुछ नहीं होते, बहुत होते हैं 2 रुपये। अगर आपने 1 लाख शेयर उठाया है तो 2 रुपये के हिसाब से आप देख लो वो कितना चढ़ेगा, 2 लाख रुपये का सीधा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। अगर आपने 1 लाख शेयर उठाया और 1 रुपये भी वो बढ़ा, तो सीधे समझ रहे हो ना, 1 लाख रुपये प्रॉफिट, दिन 2 रुपये बढ़ा तो 2 लाख रुपये प्रॉफिट। अब मैं तो कह रहा हूँ इतना भी क्यों जाना है, लेट से अगर आपने 10,000 शेयर भी उठा लिए होते इसके, तो उन्हें शॉर्ट बोल रन आप ऑलमोस्ट लेट से 10,000, तो 20,000 तो आप ऐसे ही कमा गए होते ना। तो कहने का मतलब ये कि बट हमें वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, क्योंकि एकदम से राइज करता है। अगर आप देखो तो इसने कोई मतलब ऐसा कोई यहाँ तक तो कोई कमाल दिखाया ही नहीं था। अगर आप देखो इसको तो यहाँ तक कोई कमाल नहीं दिखाया था यहाँ पे, लेकिन सडन राइज हुआ इसका, एंड यही होता है पेनी शेयर्स में, सडन राइज एंड सडन ड्रॉप होता है। तो दैट्स वाई उसको रिस्की भी बोला जाता है, पर उसमें बेसिकली झटके से पैसा कमाया जाता है और झटके से वो गिर जाता है। तो बट ये जो शेयर है अगर आप देखो तो उसकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस, जैसे मैंने दिखाया, इट्स कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, और मार्केट कैपिटल भी बहुत तगड़ा है इसका। हम अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इट्स इसकी इसका नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी राइज कर रहा है। वीकनेस की बात करें तो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट,
हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्टॉक विद अपकमिंग रिजल्ट विच आर सीइंग पॉजिटिव शिफ्ट इन शेयर प्राइस। अगर हम थ्रेट की बात करें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, ट्रेंड देखें तो बुलिश है। अगर हम ट्रेंड पे कंसंट्रेट करें डेली बेसिस पे तो भी बुलिश है, और अगर हम लोग मंथली बेसिस पे देखें तो वेरी बुलिश है। और अगर हम इसके बोर्ड मीटिंग की बात करें, बेसिकली इसका रिजल्ट आने वाला है 15 मई को, सो मैं आपको एडवाइस करूंगा 15 मई तक इसमें मत घुसना, बिकॉज 15 मई के बाद पता चलेगा इस शेयर में, क्योंकि पंप एंड डंप चलता है बेसिकली पेनी स्टॉक्स में, तो 15 मई के बाद ये गिर भी सकता है और भी उठ सकता है, तो 15 मई तक आप इंतजार कर सकते हो। फिलहाल ये यूसी में चल रहा है, अपर सर्किट में, सो आप ऐसे भी नहीं खरीद पाओगे, तो यू कैन वेट फॉर 15th में एंड देन यू गेट इनटू एंड यू कैन सी व्हाट द रिजल्ट इज। फाइनेंशियल्स की अगर हम इसमें बात करें, इनकम स्टेटमेंट की बात करें कंसोलिडेटेड, तो सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 का अगर इसका प्रॉफिट हम चेक करें तो इसका प्रॉफिट बढ़ा ही है। हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी बढ़ा है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ा है। तो बेसिकली कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, टोटल लाइबिलिटीज देखें तो इसकी टोटल लाइबिलिटीज भी कम हुई है 2019 से 2020, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी कम भी करी है, सीधे 1,000 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी कम करी है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर एसेट की बात करें तो अगेन एसेट कॉस्ट कम हुई है, बट एसेट अगर हम देखें तो 5,700 के आसपास का इसका करोड़, 5,700 करोड़ का एसेट है, तो एसेट वो होती है बेसिकली कंपनी अगर गिर भी जाए, मतलब खत्म भी हो जाए, तो भी उनके पास इतना एसेट होना चाहिए कि वो बर्बाद ना हो, तो एसेट भी उनके पास भरपूर है, मतलब करोड़ों में 5,700 करोड़ अच्छा एसेट होता है। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इसका 2019 से 2020 में एक्चुअली में वूपिंग इंक्रीजमेंट मतलब इंक्रीज हुआ, -37 CR टू 308 CR, अगेन अ वेरी गुड कैश फ्लो। नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका 2019 से 2020 में इंक्रीज किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएं तो प्रमोटर्स ने इसके अंदर 70% से ऊपर की शेयर होल्डिंग कर रखी है, तो बेसिकली अगर हम लोग DIS की बात करें तो DIS ने भी अपनी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है इसके अंदर, 13%, 14%, 13%, 14%, जो कि अच्छी यू नो यू कैन से अच्छा शेयर होता है किसी भी शेयर को होल्ड करने का। और FIIs की बात करें तो उनका भी शेयर पैटर्न इतना वीक नहीं है, एक्चुअली इट्स मॉडरेट शेयर पैटर्न। गाइज अगर हम बड़े बड़े दिग्गज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं अगर उनकी बात करें तो उन्होंने अपना जो बाय टारगेट लाइक दे रखा है इस शेयर के बारे में, दैट्स अ वेरी यू नो इम्प्रेसिव, 80 से लेकर 90 तक का इसने मतलब टारगेट दे रखा है इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में। एंड चोलामंडलम सिक्योरिटीज होगी, मोतीलाल ओसवाल होगा, ये सब इन्होंने टारगेट दे रखा है, और इनकी लॉन्ग जहाँ तक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म का टारगेट है। इतनी जल्दी एक 15-16 रुपए का शेयर 90-80 नहीं हो सकता, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने दे रखा है दैट सिंपली मीन्स कि भाई इन्होंने बहुत रिसर्च करी है और इनको ये पता है कि ये आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, सो ये इनकी राय है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं टिकर टेप की साइड पे, जहाँ पे हम देखेंगे शेयर का नाम, और शेयर का नाम है ट्राइडेंट। नाम सबने सुना है इसका, बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क है, और बेसिकली इसका जो बिजनेस है दैट इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। नाउ ट्राइडेंट्स लाइक होटल है, टॉल्स, टेक्सटाइल्स, इसका बिजनेस करता है। सो अगर हम इसमें देखें SIP के मामले में तो इसका रिटर्न अच्छा रहा है 123%। हम अगर इसका मैक्सिमम देखें तो अगेन अगर हम इसका मैक्सिमम देखें दिस इज सो क्रेजी, मतलब अगर आप लो और हाई में डिफरेंस देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, 0.35 पैसे से लेकर 16 रुपये। अगेन ये आज और कल की बात नहीं है, इसको होने में कम से कम 10 साल लगे हैं, ठीक है, तो एकदम से नहीं होता। रिटर्न बहुत ज़्यादा है, लाइक 4,000%, तो किसी भी कीमत से इसका जो यू कैन से पोटेंशियल है वो कम नहीं है। अगर हम इसके 5 साल की भी बात कर लें तो भी रिटर्न बहुत अच्छे हैं इसके, 194%, जो कि एक्चुअल में बहुत तगड़े रिटर्न होते हैं। और अगर हम इसकी लेट से 1 मंथ की भी बात कर लें तो 11% रिटर्न है, जो कि बुरा नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यूज़ के लिए डेटा इनसफिशेंट है, स्टॉक अगेन FD से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा है। एंट्री पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू नो रिसर्चर्स, गुड टाइम टू कंसिडर ए स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन। PE रेशियो 22, दैट इज गुड। और एनालिस्ट की अगर बात माने हम लोग तो एनालिस्ट में इन्होंने 100% बाइंग का सजेस्ट किया। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्राइडेंट जैसे शेयर में जो कि 16 रुपये चल रहा है, अगर हम लोग मतलब इतना पैसा लगाना चाहिए कि यू नो अगर डूब भी गए तो अपने को फर्क ना पड़े, तो वर्थ रिस्क टेकिंग स्टॉक। आई विल सजेस्ट 15 मई तक का वेट करो, बोर्ड मीटिंग से रिजल्ट आता हो, एंड वैसे भी यूसी में चल रहा है आप नहीं ले पाओगे, गिरने तो अलोकेट कर लो इस स्टॉक को, यू नो यू कैन अलोकेट लाइक SIP में या फिर कैसे भी, एंड होल्ड इट एंड मे बी इट कैन मेक यू मिलियनेयर। सो क्या हो गया, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, शेयर मार्केट है, बट कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, गधों वाला रिस्क नहीं लेंगे। सो अगर अच्छा लगा हो कंटेंट, नॉलेजेबल लगा हो, तो अपने लोग दोस्तों से भी शेयर करना, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट सो दैट आई कैन गिव यू टेक्निकल डिटेल्स, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसमें लाइक इट्स अ प्रीमियम चैनल जहाँ पे वील बी गिविंग लाइक ट्रेंड रिवर्सल कॉल्स टू बुक प्रॉफिट्स, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, सो दैट यू कैन गेट डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग कॉल्स एंड प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक लीड कॉल्स। सो दैट इज वेयर वी गिव कॉल्स ऑन टेक्निकल बेसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एंड कीप वॉचिंग,
मजे में ट्रेड करो एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. सीधी बात, नो बकवास. साइनिंग आउट.